than one object, it may be the right construction to provide each to each. By reading the provision distributively and applying each object to its appropriate subject, a similar principle applies to verbs and their subjects and to other parts of speech. For example, when a will says, I devise and bequeath all my real and personal property to A, the principle of redendo singular singulis would apply as if it read, I devise all my real property and bequeath all my personal property to A. Since according to the rules of legal drafting, the word devise is appropriate only to real property and the term bequeath is appropriate only to personal property. Perhaps the simplest and best example of redendo singular singulis is quoted from Wharton's Law Lexicon. If anyone shall draw or load any sword or gun, the word draw is applied to sword only and the word load to gun only. The former verb to former noun and later to later. Because it is impossible to load a sword or to draw a gun, and so of other applications of different sets of words to one another. होपफुली ये जो आपने पढ़ा है और जिन्होंने देखा है इसको और सुना है तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट के ये रिडेंडो सिंगुलर सिंगुलर्स का कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअली. जो आप इसको ऐसे समझें कि जी बताइए समझ सर क्लियर करते जी 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 मैं बता रहा हूँ बातें देखें. पहले हम यहाँ पे ये जनरल एग्जांपल लेते हैं ये वाली एक ये इसको ये आज तक ठीक है. अब एक मिनट रुक जाए जरा एनोटेशन कहाँ है जरा देखे. ये ड्रॉ का वर्ड नजर आ रहा है आपको. ये ड्रॉ का वर्ड अप्लाई करता है सूट को. इसको आप यू समझे वन टू थ्री. इसको आप पैसे दे वन टू थ्री फोर. तो वन टू थ्री और टू टू फोर ये ऐसे चलता है कॉन्सेप्ट. सबसे आसान तरीका इसको समझने का ये है रेडेंडो सिंगुलर सिंगुलस का ये कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ब टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग नाउन. तो फॉर्मर वर्ब टू फॉर्मर नाउन लैटर वर्ब टू लैटर नाउन. क्लियर हो गई बात. क्योंकि अगर आप यहाँ पे तो इस एग्जाम्पल में देखें अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें अगर हम तो ठीक है draw sword या load a gun. अब अगर आप इसको उल्टा करके लगाएं एक मिनट जरा रुक जाइएगा. अच्छा अब आप ऐसा करें कि आप करें आप sword load कर सकते हैं क्या. sword load हो सकती है या नहीं हो सकती. No sir. आंसर इज नो क्योंकि load का जो लफ्ज है वो हमेशा गन के साथ यूज होता है. वो कभी सोर्ड के साथ तलवार के साथ आप यूज नहीं करते थे. ड्रॉ का फिर भी गन के साथ हो जाएगा कि ड्रॉ का वर्ड आप गन के साथ यूज कर लेते हैं लेकिन जो है आप लोड का जो वर्ड है वो सोर्ड के साथ हमेशा यूज करते हैं. वो गन के साथ यूज करते हैं वो सोर्ड के साथ नहीं यूज करते. एक और भी हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं. ये मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल. This is a more simpler example. जी समझ में आ गई हो क्या. हेलो यस सर आ गया. ठीक है बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपलर एग्जाम्पल. अब तो खैर ई बुक्स का जमाना भी आ गया है बट देन अगेन यू कैन हाउ द क्वेश्चन इज के चले म्यूजिक भी आप पढ़ लें बट द सवाल इज के जो रियली जो वर्ड है लेसन का वो म्यूजिक के लिए गानों के लिए इस्तेमाल होता है. आप गाने पढ़ के क्या करेंगे. गाना हमेशा सुना जाता है या पढ़ा जाता है या चले इसको ऐसा कर लें. ठीक है यस सर.
अच्छा अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स के ऊपर, ए और बी के ऊपर। अब इस एग्जाम्पल में अब आप एक चीज का गौर से देखिएगा कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें जो वो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ब टू कॉरेस्पॉन्डिंग नाउन, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है, जो उनका आपस में एक रिलेशन है, वो मैंने इन डॉट्स, इन अंडरलाइन डॉट्स से इंडिकेट किया हुआ है ताकि क्लियरिटी ये हो सके कि कौन सा जो है वर्ब जो है वो कौन से नाउन को अप्लाई करता है और कौन सा जो है वो है, इस तरह से आपको पता चलेगा। तो अगर आप गौर कीजिएगा, मैं आप ये पढ़े एग्जाम्पल पे मैं आपको बताता हूँ। जी पढ़े नंबर वन, Section 1 of the Immigration Act 1971 states, all those who are in the act expressed to have the right of abode in the United Kingdom shall be free to live in and to come and go into and from the United Kingdom without let or hindrance. The phrase to come and go into and from requires construction. Applying redundo singular singulus, it is to be read as if it said to come into the United Kingdom and go from it. ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेज। इफ यू लुक एट इट, यहां पे आप देखें टू कम इनटू द यूनाइटेड किंगडम, टू कम इनटू द यूनाइटेड किंगडम, ये हो गया एक, नीचे लिख दिया एंड के बाद, फिर उसके बाद एंड गो फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, सही है, क्लियर होगी? यस सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरी वाली एग्जांपल के ऊपर। जी पढ़िएगा। इन कोटेश्वर विताल कमात वर्सेस के रंगप्पा बालेगा, द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोविजो टू आर्टिकल 304 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच रीड्स प्रोवाइडेड that no bill or amendment for the purpose of clause B shall be introduced or moved in the legislature of a state without the previous sanction of the president. It was held that the word introduced applies to bill and moved applies to amendment. The Supreme Court stated that where a sentence contains several antecedents and several consequents, they are to be read distributively. That is, the words are to be applied to the subjects to which they appear by context most properly to relate and to which they are most applicable. ठीक है, तो in this example जो को सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन की थी, अगर आप अगेन प्रोविजन को देखें, provided that no bill or amendment for the purpose of clause B shall be introduced or moved in the legislature of a state without the previous sanction of the president. तो बिल का जो लफ्ज है वो इंट्रोड्यूस्ड के लिए और अमेंडमेंट का जो लफ्ज है वो मूव्ड के लिए, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वर्ब टू कॉरेस्पॉन्डिंग नाउन, ये वर्ब है या आपका नाउन है, ये नाउन है ये आपका वर्ब है, तो ये आपस में 1 2 3 अगेन 1 2 3 2 2 4 इस तरह करके इन्होंने इसको इंटरप्रेट किया, रेडेंडो सिंगुलर सिंगुलर। ठीक है, यस सर, क्योंकि जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लाया कि हमेशा जो है इंट्रोड्यूस का वर्ड हमेशा बिल के लिए यूज होता है जो है, और इंट्रोड्यूस का वर्ड आप कभी भी अमेंडमेंट के लिए नहीं इंट्रोड्यूस कर नहीं यूज करते, आप हमेशा मूव का वर्ड यूज करते हैं अमेंडमेंट के लिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं सी वाली एग्जाम्पल। सी वाली एग्जाम्पल is a big example, तो इसको ज़्यादा तोड़-तोड़ के आराम से पढ़िएगा। जी। Section 59, subsection 1 of the Local Government Act 1933 reads, a person shall be disqualified for being elected or being a member of a local authority if he has within 5 years before the day of election or since his election been convicted of any offence and ordered to be imprisoned for a period of not less than 3 months without the option of fine. Clear hua provision? Provision clear hai? Nahi sir, aap samjha dein.
देखिए इसमें ये कह रहा है कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान, अगर जो है इलेक्शन के बाद जो है, अगर एक शख्स जो है वो कन्विक्शन हो जाती है उसकी, तो वो ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड, या वो जो है या लोकल अथॉरिटी का मेंबर करके डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी उसको, और उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी ऑफ अ पीरियड ऑफ फॉर नॉट लेस देन 3 मंथ्स. ठीक है, अब इस केस में क्या होता है पढ़िएगा जरा. In पढ़े Bishop versus Deakin, the defendant was convicted of perjury on 6 July 1932 and sentenced to 6 months imprisonment. Without the option of a fine, she was subsequently elected as a counselor on 1 November 1934, अब देखें, रुक almost जाए a एक year मिनट रुक after. जाइएगा, एक मिनट फिजा रुकिएगा. देखें यहाँ पर डिफेंडेंट को जो है वो कन्विक्शन हो रही है 6 जुलाई 1932 को, और उनको 6 महीने की सजा दी जा रही है विदाउट द ऑप्शन ऑफ फाइन. ठीक है, अब असूली तौर के ऊपर जब डिफेंडेंट के ऊपर ये कन्विक्शन आ गई 6 महीने की, तो अब आप इस प्रोविजन के दायरे में देखें कि प्रोविजन के दायरे में आ रही है ये डिफेंडेंट या नहीं आ रही है, अब आ रही है नहीं आ रही है. पढ़े ये वाला प्रोविजन, पढ़िएगा ये लाइन पढ़ेगा, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड ऑफ अ लो फॉर अ मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी इफ ही हैज विद इन 5 ईयर्स बिफोर द डे ऑफ इलेक्शन, बिफोर द डे ऑफ इलेक्शन बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस. कब हो रही है ये कन्विक्शन इनकी? 6 जुलाई 1932 को. और ये काउंसलर कब बन रही है? 1 नवंबर 1934. शी वॉज सब्सिक्वेंटली इलेक्टेड एज अ काउंसलर ऑन 1 नवंबर 1934. तो आप असूली तौर के ऊपर देखें तो इज शी नॉट बीइंग हिट बाय दिस प्रोविजन? बताएं, यस सर, उसको हो रही है 5 साल कन्विक्शन या नहीं हो रही? लिखा जी है, 5 ईयर्स लिखा है सर इसमें तो. हाँ, तो 5 ईयर्स लिखा हुआ, तो 5 ईयर्स इसके अंदर अंदर ना, इफ ही हैज विदिन जी फाइव सर, इयर्स बिफोर द डे ऑफ इलेक्शन बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस. एक मिनट ये लाइन पढ़िएगा, ये पढ़े, ये पढ़े फिजा. अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड इफ ही हैज विद इन 5 ईयर्स बिफोर द डे ऑफ इलेक्शन बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड ऑर्डर टू बी इम्प्रिजन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स विदाउट द ऑप्शन ऑफ फाइन. अच्छा, अब ये जेन में रखें, एक मिनट, लेट्स कॉपी दिस एंड कीप इट ओवर हियर. अच्छा, अब ये लाइन पढ़िएगा. The defendant was convicted of perjury on 6 July 1932 and sentenced to 6 months imprisonment without the option of a fine. She was subsequently elected as a counselor on 1 November 1934. Now, if you look, ये अभी फिलहाल इस चीज को अभी आप साइड पर रख के, जब इनको कन्विक्शन आ गई है, तो इन द लाइट ऑफ दिस प्रोविजन दिस विच यू हैव जस्ट रेड, ये बेसिकली क्या किया मैंने कि वो जो पूरी लाइन है उसको पूरी निकाल कर एक जगह रख दी है. अब मुझे आप बताएं कि जब उनको डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, तो कुड शी हैव कंटेस्टेड द इलेक्शन? क्या वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती थी? नहीं, इलेक्शन का टेस्ट नहीं कर सकती थी, तो इसका मतलब काउंसलर भी नहीं बन सकती थी. लेकिन उसके बावजूद शी अप्लाइड, क्योंकि विद इन 5 ईयर उसको कन्विक्शन आई हुई है, तो 5 साल तक तो वो इलेक्शन नहीं कर लड़ सकती है, 5 साल के बाद लड़ सकती है. तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन, और ये जो है काउंसलर बन गई 1 नवंबर 1934 को. ठीक है, अब सवाल आगे चलते हैं, आगे क्या होता है. अच्छा ये पढ़िएगा लाइन, लेट्स लीव दैट फॉर नाउ. अच्छा ये पढ़िएगा जी, पढ़े. almost a year after the election, an action was brought for a declaration that she was disqualified from acting as a member of the local authority. The difficulty arose from a limitation period in the relevant legislation, which created a 6 months limitation period for challenging elections. As the defendant had been in office for almost a full year before the case challenging her election was issued. The case was outside the limitation period. The plaintiffs consequently sought to challenge the defendant's right to continue holding office as a counselor. Clausen J. Dott, ruling in favor of the defendant, observed that the
sections provided for two disqualifications and two definitions. पढ़े. The section provides for two matters. First, what is to be disqualification for election? And secondly, what is to be disqualification for being a member of after election? And it provides for two disqualifications. First, conviction within 5 years before the day of election. And secondly, conviction since election. It is obvious that the second disqualification mentioned does not fit the first case mentioned, namely that of the election, but does fit the second case only. It is also obvious that the first qualification mentioned fits and the first case, and it does not seem at all apt to fit the second case. After referring to certain strange results, if the first disqualification were applied to the second case, the judge proceeded on to say, all difficulty can be avoided by applying the well-known method of construction, commonly known as redundo singula singulis, and applying the first disqualification mentioned to first case dealt with and second disqualification to the second case dealt with. So continue, Karun. Ji, continue, kare, phir main karta hu. The result reached seems to be quite sensible, namely that conviction with 5 years before the day of election disqualifies from election, and conviction after election disqualifies from continuance in office. It was therefore held that a conviction prior to election, although a disqualification for the election, was not a disqualification for continuing to be a member, and if the election was not challenged by an election petition within the time limited therefore, the member could not be directed to vacate. Achha. Now, in order to properly understand this provision, aapne ye line padhi. ये अगेन इसको दिस इज द ये प्रोविजन आपको समझ में आ जाएगा तो आपको फैक्चुअल पोजीशन अपने आप जो है क्लैरिटी आ जाएगी और कोर्ट का डिसीजन भी समझ में आ जाएगा कि रिडेंडो सिंगुलर सिंगुलर कोर्ट ने क्यों पढ़ा है. ये क्या कहता है, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड इफ ही हैज विद इन 5 इयर्स बिफोर द डे ऑफ इलेक्शन बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड ऑर्डर्ड टू बी इम्प्रिजन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स विदाउट द ऑप्शन ऑफ फाइन. नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो within a period of 5 years election se pehle usko conviction hui hai and he has been imprisonment, lihaza is basis ke upar wo disqualified hai for participating in the election. Theek hai, ek to baat ye ho gayi. Ab hum chale jate hain dusre ki taraf. A person shall be disqualified for being a member of a local authority if he has within 5 years since his election. क्या बात हो रही है कि इलेक्शन होने के बाद जब वो मेंबर बन जाता है उस दौरान अगर उसको कन्विक्शन होती है तो ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटिन्यूइंग एज अ मेंबर ऑफ अ लोकल अथॉरिटी इन द ऑफिस. क्लियर हुई बात. हेलो. यस सर. देखे क्या कह रहा है, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ लोकल अथॉरिटी इफ ही हैज विद इन 5 इयर्स सिंस हिज इलेक्शन बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन ऑर्डर टू बी प्रेजेंट फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 मंथ्स विदाउट द ऑप्शन ऑफ फाइन. तो इलेक्शन होने के बाद सिंस हिज इलेक्शन 5 साल के अंदर अगर उसको कन्विक्शन हुई है तो दैट पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ लोकल अथॉरिटी. तो आपके सामने दो पोजीशंस है, एक है कि कन्विक्शन हो रही है इलेक्शन होने से पहले और एक हो रही है कन्विक्शन जब वो इलेक्ट होके मेंबर बन गया है. ठीक है, इलेक्ट होके मेंबर बन गया और उस दौरान कोई ऑफेंस कर लेता है वो तो उसको कन्विक्शन आ जाती है. एक है इलेक्शन से पहले का, एक है इलेक्शन से बाद का. अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि ये साहिबा जो है इनको इलेक्शन से पहले कन्विक्शन होती है और उसके बाद इम्प्रिजनमेंट होती है, लेकिन जब वो इम्प्रिजनमेंट सर्व करके आ जाती हैं तो ये क्या करती हैं, ये फिर मेंबर बन जाती हैं काउंसलर की. मतलब शी वाज, ऑल्दो शी वाज डिस्क्वालीफाइड
और असली तौर के पर जो इलेक्शन ऑफिस वाले थे उनको इसका बारे में कुछ सोचना चाहिए था, उनको इनके कागजात रिफ्यूज करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज नहीं किए, उन्होंने इनको कंटेस्ट करने दिया इलेक्शन और वो काउंसलर की काउंसिल मेंबर बन गई। अब क्या होता है कि 6 महीने का लिमिटेशन का पीरियड होता है जिसके अंदर अंदर उन्होंने वो इलेक्शन पटिशन को के थ्रू उसको चैलेंज करना होता है उनकी सीट को, वो उन्होंने किया नहीं। वो आते हैं 1 साल के बाद, अब 1 साल के बाद आते हैं और वो बजाय के अब इनका जो केस है वो क्लियर कट केस बन रहा था फर्स्ट वाले पार्ट में, क्योंकि इस वाले पार्ट में इनका केस बन रहा था। वो क्या चाह रहे थे, जो प्लेंटिव्स चाह रहे थे क्या करना कि वो चैलेंज कर रहे थे उनकी कॉन्टिन्यूंसी को कि वो काउंसलर की मेंबर, काउंसिल की मेंबर नहीं रह सकती है, और वो केस को लेकर आ रहे थे सेकेंड पार्ट में, लेकिन कोर्ट ने इस चीज को रिफ्यूज, इस आर्गुमेंट को, इस कंटेंशन को रिफ्यूज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि ये क्लियर कट केस जो है इनका पहले वाले पार्ट में आता है, और अगर चूंकि इन प्लेंटिव्स ने चूंकि पहले वाले पार्ट में इनको चैलेंज नहीं किया, ये लेकर आ रहे हैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट जो है वो बात कर रहा है इलेक्शन होने के बाद अगर ऑफेंस होता है कोई, इनका जो ऑफेंस है वो इलेक्शन से पहले का हुआ हुआ था, तो ये केस बन रहा है फर्स्ट वाले पार्ट का, देयरफॉर इनको हम सीट से रिमूव नहीं कर सकते। अब क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज, फिलहाल अभी छोड़ें, लेट्स लुक एट समथिंग एल्स नाउ। हाँ जी चलें, कंजंक्टिव और डिसजंक्टिव सेंस जी, नहीं ये भी अभी एक मिनट, जस्ट सेकंड, इसको अभी छोड़ते हैं, इसको मे और शैल पे आते हैं जी। मैंडेटरी और डायरेक्टिव सेंस पढ़ें। द स्टडी ऑफ न्यूमरस केसेस ऑन दिस टॉपिक डज नॉट लीड टू फॉर्मुलेशन ऑफ एनी यूनिवर्सल रूल एक्सेप्ट दिस दैट लैंग्वेज अलोन मोस्ट ऑफन इज नॉट डिसाइसिव एंड रिगार्ड मस्ट टू बी हैड टू द कॉन्टेक्स्ट subject matter and object of the statutory provision in question in determining whether the same is mandatory or directory, the Privy Council has said, the question whether provisions in a statute are directory or imperative has very frequently arisen in this country. But it has been said that no general rule can be laid down and that in every case, the object of the statute must be looked at. The cases on the subject will be found collected in Maxwell on Statutes, 5th edition, paragraph 596 and following pages. Generally speaking, the presence of the word shall indicates that the statutory provision is a mandatory one, and the presence of the word may indicates a directory provision. However, it has been stated, the courts have taken a view that where the expression shall has been used, it would not necessarily mean that it is mandatory. It will always depend upon the facts of a given case. The conjunctive reading of the relevant provisions along with other provisions of the rules, the purpose sought to be achieved, and the object behind implementation of such a provision. This court in Sarla Gol versus Kishan Chand took the view that where the word may shall be read as shall, would depend upon the intention of the legislature, and it is not to be taken that once the word may is used, it per se would be directory. In other words, it is not merely the use of a particular expression that would render a provision directory or mandatory. It would have to be interpreted in the light of the settled principles and while ensuring that intent of the rule is not frustrated. एक मिनट, यहाँ तक बात क्लियर हुई है? Yes sir, little bit. क्या क्लियर हुआ है? कि मेरे को जो है वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा डायरेक्टरी पढ़ा लिया जाए और शेल को हमेशा मैंडेटरी और रेलेवेंट प्रोविजन और उसको देखते हुए जो है उनका फैक्चुअल पोजीशन देखते हुए उसे इंटरप्रेट किया जाएगा दोनों को। बिल्कुल यही बात है। नाउ एक्चुअली होता क्या है, ग्रामेटिकली अगर आप देखें और इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स को देखें तो यस शैल इज ऑलवेज अ मैंडेटरी, शैल का जब वर्ड यूज होता है तो शैल वर्ड जो है वो मैंडेटरी प्रोविजन, मैंडेटरी जो है सेंस इंडिकेट कर रहा होता है, और मे जो है वो डायरेक्टरी सेंस
इंडिकेट कर रहा होता है। लेकिन ये है कि ये तो बात हो गई अगर आप लिटरली मीनिंग के ऊपर जाते हैं, लेकिन अदालतों का कहना ये है कि लाजमी नहीं है कि हमेशा शैल शैल ही होता है, शैल कभी कभी मे भी बन जाता है और इसी तरह से वाइस वर्सा मे जो है वो कभी कभी शैल भी बन जाता है। लेकिन जब आप मे को शैल करते हैं और शैल को मे करते हैं तो उस वक्त आपको, जैसे कि आपने बताया है कि उस वक्त आपको इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर को लाजमी देखना होता है कि प्रोविजन किस कैसे जो है वो किस सेटिंग में रखा हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में रखा हुआ है, सर्कमस्टांसेस जो आपने फैक्टुअल सर्कमस्टांसेस की बात की उसको मद्देनजर रखते हुए उसको आप शैल को मे भी पढ़ सकते हैं और मे को शैल भी पढ़ सकते हैं। और जो है अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जिसमें शैल को कोर्ट ने हमेशा शैल ही पढ़ा है, उसको उन्होंने मे नहीं पढ़ा, उसकी वजह भी उन्होंने बताई है। जैसे ये पढ़े आप ये पैराग्राफ। सो वन The periods prescribed in the schedule to the Limitation Act 1908 for bringing a legal proceeding are mandatory as a consequence of the expiry of the period of limitation is provided by Section 3 of the Act, in that the court is enjoined to dismiss a legal proceeding instituted after expiry of the prescribed period. Now, यहाँ पर अगर आप देखें जैसे ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि हमेशा जब किसी भी प्रोविजन में शैल का वर्ड आप देखें और साथ साथ आप देखें कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नलिफिकेशन भी लिखी हुई है, तो वो हमेशा जो प्रोविजन है वो हमेशा मैंडेटरी सेंस में आप लेते हैं। जैसा कि अगर आप इधर देखें इसमें 104 में लिमिटेशन एक्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी, अब ये आप देखें कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शंस 4-25 इंक्लूसिव एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड देयरफॉर बाय द फर्स्ट शेड्यूल शैल बी डिसमिस्ड ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस। अब ये जो बात है शैल का वर्ड और साथ ही साथ उसका कॉन्सिक्वेंस भी आ गया कि अगर लिमिटेशन के पीरियड के बाद सूट आता है, कोई एप्लीकेशन आती है अपील आती है, तो वो सूट अपील एप्लीकेशन हमेशा डिसमिस करेगी अदालत। तो आपके सामने शैल का वर्ड भी है और उसका कॉन्सिक्वेंस भी है, तो यहाँ पे शैल का जो सेंस है वो हमेशा मैंडेटरी दिया जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, ये सेक्शन 3 में ही इसकी बात हो रही है, तो एक ही प्रोविजन में आपको उसका वर्ड भी यूज हो रहा है शैल का दिखाई दे रहा है और साथ साथ उसका कॉन्सिक्वेंस भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये जो लाइन आ गई ऊपर, that it has time and again been observed that when consequence of nullification on failure to comply with the prescribed requirement is provided by the statute itself, there can be no manner of doubt that such statutory requirement must be interpreted as mandatory. So, yahan par jo hai, as you can see over here, yahan pe consequence provided hai, therefore it is to be understood in the mandatory sense. Clear ho gayi baat? Yes, sir. ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट भी देख ले, दूसरी एग्जांपल भी देख लें। The requirement as to registration of certain documents prescribed by section 17 of the Registration Act 1908 is mandatory since the consequence of non-registration is provided by section 49 of the Registration Act, in that such documents if not registered do not affect the property comprised therein. अब रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो जो अफेक्ट है वो अफेक्ट आपका दिया हुआ है कि अगर डॉक्यूमेंट्स जो कि जिनको आपको कंपल्सरी सेक्शन 17 जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो ये कहता है कि सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो है उनको आपने कंपलसरी तौर के ऊपर रजिस्टर करवाने, मतलब देयर इज अ रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट हर सूरत में आपको फुलफिल करनी है। कोई अगर आप टाइटल ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या नाम एक से बंदे से दूसरे बंदे के नाम करवाना चाहते हैं तो आपने उन डॉक्यूमेंट्स को लाजमी रजिस्टर करवाना है, ये रिक्वायरमेंट है सेक्शन 17 की। अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते उन डॉक्यूमेंट्स को तो उसका जो अफेक्ट है वो आपको सेक्शन 17 में तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका अफेक्ट यहाँ पे सेक्शन 49 में मिलेगा। और सेक्शन 49 में ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जिसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी थी सेक्शन 17 में वो नहीं रजिस्टर करवाता है कोई बंदा, तो उससे क्या नुकसान होता है कि उसके फेवर में कोई राइट, कोई टाइटल, कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, तो ये है आपका ऐसे एग्जांपल्स जहां पर जो है शैल और मे शैल सॉरी शैल की जो है वो
जो कॉन्सिक्वेंस के साथ साथ अगर हम देखें तो कॉन्सिक्वेंस के साथ उसका एक मैंडेटरी इफेक्ट आपको नजर आता है। इसको हम यहाँ तक जो है चलें ये भी देख लें एग्जांपल नंबर 3 वाली। The provisions of Order 21, Rules 84 and 85 of the Code of Civil Procedure 1908 requiring an auction purchaser to deposit 25% of the purchase money forthwith and the balance on the 15th day from the sale is mandatory. So, as on failure in making either of these deposits within the time prescribed, the property has to be resold as provided in Order 21, Rule 86. यहाँ पे टाइम थोड़ा है, नहीं तो एग्जांपल देख लेते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक इसको रखते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।